नमस्कार, कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। अब px हमें दिया हुआ है, ये ऐसे प्रश्न हमने पहले भी किए, px बराबर x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए और इसे x माइनस ए से भाग करना है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार हमें पता है कि यदि किसी भी बहुपद को x माइनस ए से भाग करते हैं तो शेषफल किसके बराबर होता है, p ऑफ a के बराबर। तो p ऑफ x की जगह p ऑफ a, इसका मतलब x की जगह a, इसका मतलब इस पूरी रकम में जहां जहां x है उसकी जगह हम लिख देंगे a। देखो कैसे, सबसे पहले है एक्स क्यूब, एक्स की जगह मैं लिखूंगा ए, एक्स का क्यूब है यानी ए का क्यूब। उसके बाद है माइनस माइनस, एक्स का स्क्वायर पहले है ए, ए ये ए ये वाला लिखा, उसके बाद है x स्क्वायर, x की जगह लिखना है a तो a का स्क्वायर प्लस 6 इनटू x, x की जगह लिखना है a माइनस माइनस a, इसे हल करना है a का क्यूब, इसको ऐसे लिख दो माइनस, यहां देखो a गुना a स्क्वायर, a गुना a स्क्वायर, ये है a की पावर 1, ये है a की पावर 2, ये दोनों गुना होंगी तो पावर a प्लस हो जाएंगी, ये बन जाएगा a की पावर 3 प्लस 6 को a से गुना किया 6a माइनस ये है a। अब क्या होगा बच्चों, देखो a क्यूब से a क्यूब, ये a क्यूब प्लस का था, ये a क्यूब माइनस का था, a क्यूब में से a, a क्यूब माइनस हो गया 0, 6a में से a, a यानी 1a, 6a में से 1a माइनस हो गया तो आ गया 5a। इसका मतलब क्या है कि हमें शेषफल ज्ञात करना था और हमारा जो शेषफल है वो कितना आया है, 5a आ गया, हमारा जो शेषफल है वो 5a आ गया। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। धन्यवाद।